दुनिया का सबसे ताकतवर भोजन। जी हाँ, वाकई में ताकतवर भोजन है कि ये ना जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, आज जो चीज़ लेके आया हूँ ना आपके लिए, बहुत अल्टीमेट चीज़ है दोस्तों। आपके शरीर में कमजोरी हो रही है, थकान होती है, चाहे आप छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनमें भी जो भी ताकत में कमजोरी होती है, शरीर के अंदर ज्वाइंट पेन होता है, कमर में दर्द, जैसे खासतौर से हमारी गृहिणियाँ होती है ना, जो हमारे घर में काम करती है रसोई के अंदर, उनकी कमर में बहुत दर्द होता है वो चीज़। और दूसरा, जो जिम के अंदर प्रोटीन लेते हैं ना, 5-5, 10 हज़ार रुपए के प्रोटीन खा रहे हैं साहब, वो इसको खा के देखिए, 7 दिन के अंदर फर्क देखिएगा, इतनी एनर्जी आएगी आपके शरीर के अंदर, आपकी कमजोरी, शरीर की थकान, सब चीज़ दूर हो जाएगी। अब चाहे वो छोटे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब लेके देखें, क्योंकि मैं खुद भी लेता हूँ, मैंने लेने के बाद ही, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपको बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ आप लेके देखिए, इसलिए मैंने इस पर लिखा था थंबनेल के अंदर कि सबसे दुनिया का ताकतवर भोजन जो हमारे हिंदुस्तान में मिलता है, कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो बस आपको ये ट्राई करना है, और ट्राई करके, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं आप, क्योंकि आप उसी टाइम कमेंट करके चले जाते हैं जब इसको यूज़ करते हैं, तब कमेंट नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह किचन में आपका बहुत स्वागत है। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करना, काफ़ी लोगों को फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 3 चीज़ें, और सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको किस किस ग्राम से लेना है। सफ़ेद छोले ले रहा हूँ, काले छोले चने नहीं लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद छोले लेने हैं, 30 ग्राम सफ़ेद छोले लिए मैंने। सफ़ेद छोलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, और छोले हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भैया यूज़ करना शुरू कर दीजिए, इसमें हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है। जी हाँ, ये सफ़ेद छोले हैं, काले छोले नहीं है। 30 ग्राम, जी हाँ 30 ग्राम, मेजरमेंट के हिसाब से मैं 30 ग्राम ले रहा हूँ। ये सफ़ेद छोले लिए हैं, और बाकी के बारे में बताऊंगा वो किस तरह से लेना है। और इतना पावरफुल चीज़ है ना ये, कि जिसकी हद नहीं है आपको, ये आपको प्रोटीन, कैल्शियम सब चीज़ देगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 30 ग्राम ही हमारे राजमा, जी हाँ काले राजमा ले रहा हूँ। राजमा कई तरह के आते हैं, लेकिन मैं काले राजमा ले रहा हूँ। राजमा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, ये हमारे शरीर में कई पोषक तत्व देती है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो ये राजमा भी मैंने लिए 30 ग्राम, और ये राजमा काले वाले लेने हैं, जो छोटे वाले राजमा होते हैं ना, जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, वही मैंने राजमा लिए। और इतनी अमेजिंग है ना दोस्तों, कि इसे आप है ना, अगर आप रोटी नहीं खाएंगे ना, तो इससे ही आपकी सारी भरपूर हो जाएगी, पूरे शरीर की ताकत इसके भरपूर हो जाएगी। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हरे मूंग, जी हाँ साबुत मूंग ले रहा हूँ, जो मूंग की दाल या मूंग की दाल वैसी आती है ना, तो हरे मूंग ले रहा हूँ बिल्कुल साबुत वाले। साबुत मूंग में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह एक कैलोरी वाला भोजन है, जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, ये हमारे वजन घटाने में हमारी मदद करता है। और इसके अंदर इतनी कैलोरी होती है ना, कि इसे आप खाना नहीं खाएंगे ना, तो भी इसे अगर इसे आप बॉयल करके भी खा लेंगे ना, तब भी इसमें मात्रा इतनी अच्छी होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और इसे करेंगे वॉश। कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। इसमें अंदर कोई मिट्टी वगैरह हो, कोई केमिकल वगैरह हो, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, तो 2-3 पानी से इसे अच्छी तरह से धो लेना है। और बस ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इस पानी से धो लिया है, और धोने के बाद अब इसे भिगो के रखना है कम से कम 12 से 14 घंटे। तो भिगोने के तरीका भी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको भिगो के रखना है। अगर आपके पास बर्तन हो मिट्टी वाला, जो मिट्टी वाला यूज़ करने वाला बर्तन, तो मिट्टी वाला बर्तन आप ले लीजिए इस तरह का, क्योंकि मिट्टी के अंदर एक प्रकार का एल्कोलाइन गुण पाया जाता है, जो हमारे भोजन को 100% पोषक तत्व बनाता है। आयुर्वेद में भी इसे बहुत ज़्यादा पोषक तत्व माना गया है, मिट्टी के बर्तन को। अगर मिट्टी का बर्तन हो तो आप उसे ले लीजिए, नहीं हो तो नॉर्मल बर्तन के अंदर आप इसे भिगो के रख सकते हैं। जी हाँ, हमें जल्दी नहीं है इसको भिगोने की, और डेली का आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसे डेली भिगो के रख सकते हैं। 12 से 14 घंटे इसे भिगो के रखना है, पूरी रात इसे भिगो के रखना है। तो मैं मिट्टी के बर्तन में इसको भिगो के रख रहा हूँ, तो इसे मैं पूरी रात भिगो के रखूँगा। और पूरी रात इसे भिगोने के बाद ये देखिए आप, ये पूरे हमारी सारी चीज़ें हैं ना, छोले हमारे, राजमा और हमारे मूंग की दाल, पूरी की पूरी ये फूल चुकी है बिल्कुल, यहाँ अच्छी तरह से फूल चुकी है। और इसमें जो प्रोटीन आया है ना, और जो कैल्शियम, मिनरल, जितने विटामिन है ना इसके अंदर जो आए हैं, बहुत अमेजिंग है। तो बस पानी इसका निकाल देंगे, पानी निकालने के बाद मैं इसके डाल रहा हूँ कुकर के अंदर। जी हाँ, कुकर के अंदर डाल रहा हूँ, और आधा कप पानी डाल रहा हूँ, ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर, खाली आधा कप पानी डालना है इसके अंदर। और इसे एक बार मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें देंगे कम से कम 5 सीटियाँ हम इसके अंदर लगाएंगे। जी हाँ, मीडियम फ्लेम पर लगा लीजिए या हाई फ्लेम पर लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 सीटी मैंने इसके अंदर लगाई है, और 5 सीटी लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए इस तरह से पूरे के पूरे सॉफ्ट हो चुके हैं, और बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों। मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरह से आपको यूज़ करना है। अगर आप रोटी नहीं खा रहे और वजन कम करना है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल इतने भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन मिलेंगे ना, जिसकी हद नहीं है।
इसमें आपको इतनी भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल, जितनी भी ताकतें हैं ना वो सब आपको मिल जाएगी। और ये ना जिम के अंदर जो जा रहे हो आप और ये मेहनत कर रहे हो और प्रोटीन के खा रहे हो, 5-5, 10 हज़ार के डब्बे बंद कर दो, इसे खा के देखो हफ्ते भर के अंदर आप खुद बोलोगे सिंह भाई वाकई में आपने रामबाण इलाज बताया। तो बस ये ले ली है और इसके बाद ले लो एक कप दही। दही के बारे में आपको बता रहा हूँ कि दही के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने प्रोटीन होते हैं, इतनी कैल्शियम होती है, इतने मिनरल होते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप रायता भी खाते होंगे घर के अंदर या नॉर्मल दही भी खाते ही होंगे। तो एक कटोरी मैं इसके अंदर ले रहा हूँ दही, दही होगा 50 ग्राम के आसपास यहाँ पर। और इसके बाद ले रहा हूँ इसके अंदर अनार के दाने। जी हाँ, अनार में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और बहुत सारे फ्लेवर भी इसके अंदर आराम से मिल लेंगे। और हार्ट पेशेंट के लिए तो अनार बहुत ही फायदेमंद है। और इसे अगर आप रोज भी खाएंगे ना अनार को, एक अनार रोज खाएं तो भी बहुत फायदेमंद है। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है थोड़ा सा इसको चटपटा सा बनाने के लिए, थोड़ा सा इसमें टेस्ट देने के लिए। और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है इसके अंदर। टमाटर मैंने देसी टमाटर लिया है, हाइब्रिड टमाटर नहीं है, सलाद वाला टमाटर मैंने इसके अंदर नहीं लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, जी हाँ थोड़ा टेस्ट भी चेंज करना जब खाएंगे तो। और फ्लेवर इतना अमेजिंग आता है, सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। जी हाँ, नाम काली मिर्च का पाउडर है लेकिन इसके फायदे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। इतना लंबा वीडियो बन जाएगा वरना मैं बनाना नहीं चाहता अगर आपको फायदे बताऊँगा तो। एक टीस्पून नमक, बाकी स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वरना मैं इतने फायदे बताता लंबा बहुत वीडियो हो जाता। और आप बोलते सिंह भाई आप बोलते ज़्यादा हो बताते कम हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बस इसे मिक्स कर देंगे। और ये जो आप चीज खाएंगे ना ये आपके लिए इतना फायदेमंद होगा जिसकी हद नहीं है। तो बस इसे मिक्स कर दिया और ये लीजिए, ये आप बिल्कुल हमारी प्रोटीन वाली जो है ना सलाद बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं या भोजन बोल सकते हैं। हम इसे कैसे यूज़ करना है वो तरीका बता देता हूँ आपको कि किस तरह से यूज़ करना है इसे। इसे हम मॉर्निंग में सुबह नाश्ते के टाइम पे खाना है। जी हाँ, जब नाश्ता करते हैं ना तब ये खाना है। आप चाहे छोटे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, जवान हो, जो भी हो, इसे खा के देखिएगा। 7 दिन आप इसे खा लीजिए और शरीर के अंदर ताकत देखिएगा आप कि आप खुद बोलेंगे भैया मज़ा आ गया कि जितने बड़े बड़े प्रोटीन खाते थे ना हम, ये कैल्शियम प्रोटीन, च्यवनप्राश ये वगैरह सब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, इसी के हमें खा के सारा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सब मिल रहा है हमें। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा मेरे वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ वापस आ जाता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।